हाय गाइस, वेलकम बैक टू बी नेचुरल। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप सभी इतने टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो आपकी फरमाइश पे लेके आ गई हूँ मैं आज का टॉपिक। आज मैं आपको बताऊंगी कि अलग अलग ड्रेसेस जो आप पहनती हैं, तो उस पे किस टाइप की ब्रा आप पहन सकती हैं। कभी कभी होता है कि मतलब कुछ ओकेजन होता है तो हम बैकलेस ड्रेस पहनती हैं, या डीप नेक वाला, या फिर ऑफ शोल्डर हॉल्टर नेक, इस तरह के हम कपड़े पहनते हैं। तो जो नॉर्मल रेगुलर हम ब्रा पहनते हैं, तो वो उस ड्रेस के साथ नहीं हम पहन सकते, क्योंकि स्ट्रैप नजर आता है ये पीछे से आगे से, और यू नो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। फिर हम पिन लेकर के जुगाड़ करने में लगे रहते हैं कि यहाँ पिन लगा ले, वहां से ढक ले, ये कर ले, तक कंफ्यूज रहते हैं। स्पेशली जब आप टीनेज में होते हो, प्यूबर्टी एज को आप हिट करते हो, आपकी जब बॉडी की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है, तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको किस टाइप की ब्रा पहननी चाहिए। तो आज के एपिसोड में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो सारी लड़कियों के लिए, औरतों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माएं देख रही है तो बेटियों को जरूर दिखाएं, बेटियां देख रही है तो अच्छे से समझ जाए। और अगर मेरे इस एपिसोड को कोई और मेल देख रहे हैं, तो इसको अपनी गर्लफ्रेंड्स को या वाइफ को जरूर फॉरवर्ड कर दे देखने से पहले। और अगर किसी को इस टॉपिक के शुरू होने से पहले मैं बता दूं, डिस्क्लेमर दे दूं कि अगर प्रॉब्लम है कि नहीं देखना चाहते हैं ये, तो आप इस वीडियो को आराम से स्किप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो देखने से पहले लाइक जरूर कर दो, क्योंकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। आज मैं बात करूंगी डिफरेंट ब्रास के बारे में। ये सारे ब्रास मैंने मंगवाए हैं clovia.com से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चेकआउट जरूर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कब कैसे कौन सी ब्रा पहने। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि किस ड्रेस के साथ आप इसको पहन सकते हैं। तो शुरू करते हैं। जो सबसे पहले मैं पैडेड ब्रा की बात करती हूँ, तो ये वाली ब्रा मैंने मंगवाई है। अब इसमें क्या खासियत है मैं आपको बताती हूँ। पहले तो आप देख लीजिए, लुक इसका बहुत ज्यादा अच्छा है, डिजाइन इसका बहुत अच्छा है, आई कैची है। प्लस बहुत सारे ब्राज ऐसे होते हैं जो कि पैडेड होते हैं, लेकिन वो अनकंफर्टेबल होते हैं। लेकिन आप इस तरह का पैड लोगे तो ये बहुत सॉफ्ट पैड है, ज्यादा नहीं है, हल्का है। प्लस आप इसमें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो पैड है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। कलर आप देख रहे हैं बहुत अच्छा है, इसके अंदर कोई वायर नहीं है। अगर आप डेली ऑफिस, कॉलेज, स्कूल जाती हैं बाहर, और अगर आप चाहती हैं कि थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करें, तो पैडेड ब्रा आपको जरूर पहनना चाहिए। इसको पहन करके आप जो कमाल का कॉन्फिडेंस आता है ना। एक बात और, ब्रा कोई सी भी पहने, सही साइज अगर आपने नहीं पहना तो कॉन्फिडेंस की ना धज्जियां उड़ जाती है। तो ब्रा मेजर करने का सही साइज मैंने आपको पहले भी बता रखा था, शॉर्टकट में थोड़ा सा बता देती हूँ कि मेजरिंग टेप लेना है, इंची टेप जिसको कहते हैं, जो आपका फुल पास्ट है आपके बर्स्ट का, आपको उसको मेजर कर लेना है इस तरह से, और उसके बाद वो नंबर नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जो आपका बैंड साइज है, जो कि आपका लोअर बर्स्ट है, वो आपको मेजर करना है सेम मेजरिंग टेप से। उसके बाद जो अपर ब्रेस्ट का नंबर आया है, उसके बाद जो लोअर बैंड का नंबर आया है, उन दोनों नंबर को माइनस कर दीजिए। उन दोनों को माइनस करने के बाद जो आंसर निकल के आता है, वो होता है आपके ब्रा का साइज। फॉर एग्जाम्पल, साइज चार्ट आप देख लीजिए, ये साइज चार्ट आपको हेल्प करेगा आपकी सही ब्रा साइज चूज करने के लिए। जो बैंड साइज में जो नंबर आता है, वो होता है आपके ब्रा का साइज। तो यहाँ 32 आया है और माइनस करने के बाद 3 आया है, तो 32C, 1 आया है तो 32A, 2 आया है तो 32B। आपको अगर नहीं समझ में आया होगा तो इन डिटेल एक और वीडियो है, आप आई बटन को चेक कर सकते हैं। ठीक, जब भी आप टॉप, शर्ट्स, टी शर्ट, ड्रेसेस, ट्यूनिक टॉप कुछ भी पहनती हैं, उसके साथ नॉर्मल ब्रा ना पहने, ऐसी पैडेड ब्रा पहने, क्योंकि अगर आप ये नहीं पहनती है ना, तो ब्रा पहनने के बाद वो जो डॉट्स नजर आते हैं ना, वो बहुत वाहियात लगते हैं, इतना एम्बैरेसिंग फील होता है ना। स्कूल डेज से मुझे आज भी याद है, तब मुझे ब्रास के बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज थी नहीं, और जब मैं अपनी व्हाइट टी शर्ट पहन के जाया करती थी, तो स्पेशली विंटर्स में ऐसा फील होता था कि डॉट्स नजर आ रहे हो, माय गॉड, इट्स सो एम्बैरेसिंग। मतलब बहुत एम्बैरेस हुआ करती थी मैं उन दिनों, और मेरे साथ साथ मेरी फ्रेंड्स भी, क्योंकि हम लोग को इतना आइडिया नहीं था। हाँ, आजकल की टीनेजर्स बहुत ज्यादा स्मार्ट है, उनको सब कुछ पता होता है, लेकिन हमारे टाइम में हम भोंदू थी, हमें नहीं पता था। लेकिन अगर अभी मैं आपकी लाइफ में हूं, तो मैं हूं ना आपको बताने के लिए, तो ऐसी गलती ना करो। डॉट्स नजर आना अच्छी बात नहीं है, उससे अच्छा है कि आप पैडेड ब्रा पहनो, डॉट्स को छुपाओ, कॉन्फिडेंट फील करो। बहुत कंफर्टेबल है, स्मूथ है, आप देखो इसको कैसे भी फोल्ड कर सकते हो, इसके अंदर कुछ भी हार्ड सा कुछ भी नहीं है। तो ये मैं टॉप का बोलूंगी, आप इसको जरूर ले, इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। ये ऑनलाइन मंगवाया है, लिंक सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है,
है, आप वहां एक बार क्लिक जरूर करना और देखना। प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल है, हार्डली 300-500-400 के ब्राज हैं ये, ज्यादा महंगी नहीं है। प्लस इस पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, कूपन कोड भी दिया है उसको आप यूज कर लेना, उससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। चलो अभी दूसरी ब्रा मैं आपको ये वाली दिखाऊंगी। सामने से नॉर्मल जो कॉटन ब्रा होती है वैसा ही है, लेकिन पीछे से अगर आप देखें तो इसके अंदर ये ट्रांसपेरेंट पन्नी है सी है, तो इसके जो स्ट्रैप है ऊपर का भी ट्रांसपेरेंट है प्लस पीछे वाला भी ट्रांसपेरेंट है। तो अक्सर जब आप पहनना चाहती हैं बैकलेस टॉप, बैकलेस ड्रेसेस पहनना चाहती हैं, पार्टी वगैरह में जाती हैं, स्पेशली रेड कार्पेट पार्टीज में अगर जाएं या किसी की शादी वगैरह कहीं भी जाएं, ऐसी कोई भी ड्रेस पहनी है जिसका ब्लाउज या पीछे वाला नेक बहुत ज्यादा डीप है, तो उसमें आपको ऐसी ही ब्रा पहननी चाहिए जो कि नजर नहीं आती, विजिबल नहीं होती। बस ये अगर नजर भी आएगी तो ये प्लास्टिक नजर आएगी, जो कि उतना ऑकवर्ड नहीं लगता है। नहीं तो हम लड़कियों को मतलब हम ड्रेसेस तो सिलवा लेती हैं बड़े डीप कट वाले नेक वाले, या पहन लेती हैं बैकलेस टॉप और समझ नहीं आता ब्रा कौन सी पहने। तो प्लीज ये वाली ब्रा आप देख सकते हैं, ज्यादा बिल्कुल महंगा नहीं है, बहुत अफोर्डेबल है, ये भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, जो आपके उन मुश्किल दिनों को बहुत आसान बना देता है जब आप पहनना चाहती हैं बैकलेस ड्रेस। अगली ब्रा बहुत स्पेशल है और हटके है, स्पेशली आप लोगों के लिए, मेरे तो किसी काम की ये ब्रा है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप न्यूली मां बनी है, अभी अभी मां बनी है और अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, तो ये ब्रा आपके लिए है। क्यों? ये नॉर्मल आम ब्रा की तरह इसमें कुछ भी अलग नहीं है, सिवाय इसके कि मतलब जब भी आप बच्चे को दूध पिलाती हैं तो आपको पूरी ब्रा ऊपर नीचे से ऊपर खोलनी पड़ती है। तो नीचे से ऊपर खोलने की बजाय यहाँ पे ऐसे हुक्स है, इस हुक को अगर आप खोल देंगी ना और ऐसे पिलाएंगी तो यू नो बहुत इजी हो जाएगा आपको बच्चे को दूध पिलाने के लिए, और फिर उसके बाद दोबारा से यहाँ लगा दीजिए। तो मतलब पूरा आपको ये इलास्टिक उठा करके अपने ब्रेस्ट को बाहर निकाल करके बच्चे को दूध पिलाने की जरूरत नहीं है, सिंपल से आप इसका बस ये हुक निकालिए और यहाँ पे आराम से एक होल दे रखा है जिसके थ्रू आप अपने बेबी को फीड कर सकती हैं। तो ये न्यूली माँ जो बनी है उनके लिए है, मेरे किसी काम के लिए नहीं है। तो आई थिंक मुझे अपने किसी फ्रेंड को ढूंढना पड़ेगा जिसने अभी बेबी बॉर्न किया है और उसको ये गिफ्ट करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरी ब्रा देखते हैं, स्पेशली टीनेजर्स के लिए मंगवाई है। मैं अपनी टीनेजर्स फ्रेंड्स को नहीं भूल सकती, मेरे फॉलोअर्स टीनेजर्स बहुत ज्यादा है। तो लड़कियों सुनो, जब बॉडी न्यूली ग्रोथ होना स्टार्ट करती है, मतलब 12-13 साल में आजकल बॉडी आपकी ग्रो होने लग जाती है, तो उस टाइम आप स्पेगेटी और बनियान सैंडो पहन करके ना रहें, थोड़े से आपके ब्रेस्ट डेवलप होने लग जाते हैं, तो उसमें आपको चाहिए इस तरह की ब्रा पहने। ये इसके अंदर कोई हुक नहीं है, अंडरवाई नहीं है, पैड नहीं है, बस नॉर्मल ब्रा है। इसके अंदर का इलास्टिक है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है इजीली, इतना स्ट्रेच हो जाएगा, ये फ्री साइज का है ऑलमोस्ट। तो अगर आप टीनेजर हैं तो इस टाइप की ब्रा आपके पास होनी ही चाहिए। मम्मियां आप अपनी बच्चियों को ये वाली ब्रा जरूर दे, उनकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, ट्रस्ट मी। नहीं तो वो टीनेजर्स लड़कियां दौड़ती भागती स्पोर्ट्स करती रहती हैं, उनको कुछ पता नहीं होता, और सिर्फ अगर आप स्पेगेटी पहन करके कर रहे हो यू नो, तो आपके लॉन्ग रन में जो ब्रेस्ट सैगिंग की प्रॉब्लम होती है ना, वो इन्हीं सब चीजों की वजह से होती है कि अर्ली एज में आप प्रॉपर उनको अच्छे से ब्रा सिलेक्ट करके नहीं देती हैं। तो मम्मियां आप अपने बच्चों को जब वो प्यूबर्टी की एज हिट करे तो अच्छी ब्रा सिलेक्ट करके दीजिए उनके साइज के हिसाब से। अब साइज तो उतना डेवलप होता नहीं है तो ब्रास तो आपको मिलेंगी नहीं, तो इसीलिए इस टाइप की ब्रा उनको हेल्प करेगा अपने ब्रेस्ट को सही शेप में आने देने के लिए। अगर वो ये नहीं पहनती है तो ब्रेस्ट सैगिंग की प्रॉब्लम होगी, या तो उनके ब्रेस्ट अच्छे से डेवलप नहीं होंगे या अंडर डेवलप रह जाएंगे, या और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो क्यों प्रॉब्लम्स का सामना करना है, इस तरह की ब्रा हर टीनेजर के पास होनी ही चाहिए। ये एक बहुत स्टाइलिश सी ब्रा है, पीछे से आई जस्ट लव दिस पैटर्न। तो अगर आप कोई ऐसी सेक्सी सी गॉर्जियस सी ड्रेस पहनती है, आप अगर पीछे रिवील करना चाहती हैं तो इजीली आप कर सकती हैं, इसमें उतना बुरा नहीं लगता, आजकल की लड़कियां तो ऐसा पहनती हैं। इसमें खासियत ये है कि इस अंडरवायर नहीं है, अंडरवायर थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, कभी कभी चलता है, लेकिन रेगुलर यूज में आई थिंक अंडरवायर हमें अच्छा नहीं लगता है। प्लस इसमें कोई स्यू नहीं है, मतलब कोई सिलाई वगैरह नहीं है, तो नो स्यू बोल सकते हैं, सीमलेस है, इनविजिबल ब्रा बोल सकते हैं। इसको छूने से भी एकदम मक्खन से भी ज्यादा ये सॉफ्ट सा लगता है, ऐसे हाथ फिसल जाए, इतना ज्यादा सॉफ्ट है। और इसके अंदर पैड है, ठीक है, तो ये पैड भी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बस इतना है कि आपकी डॉट्स को छुपा देगा, और थोड़ा सा मतलब अगर कम ब्रेस्ट है तो इसको पहनने के बाद लगेगा कि फुलर ब्रेस्ट आपके लगेंगे कि है ज्यादा। तो अगर लड़कियों के कम ब्रेस्ट होते हैं, वो पैडेड वाली ब्राज उनको पहनना है और वो नहीं चाहती अंडरवायर पहनना या हुक वाला पहनना, तो ये पहन सकते। ये भी टीनेजर्स के लिए बहुत ही अच्छा है, बून का काम करेगा। इनफैक्ट नॉट ओनली टीनेजर्स, आप अगर अपनी 20s में भी हैं तो ये आपको बहुत ही सही लुक देगा, पीछे से भी और आगे से भी डॉट्स नजर
नहीं आएंगे, कंफर्टेबल रहेंगे, उभरे हुए ब्रेस्ट लगेंगे, तो और क्या चाहिए। प्लस इसको छूने में इतना ज्यादा सॉफ्ट है, आई जस्ट कांट टेल यू, बहुत बहुत अमेजिंग है ये। और क्योंकि इसके तो कोई सिलाई विलाई यहाँ पे नहीं है, तो अक्सर ऐसा होता है कि हम पैडेड भी पहन ले या कोई भी ब्रा पहन ले तो कपड़े के ऊपर अगर आप पहनते हो ना, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देती हूँ, यहाँ पे अगर आपने टॉप पहना है कोई सा भी तो कुछ नजर नहीं आएगा, है ना। लेकिन अगर आपने कोई और दूसरी ब्रा पहनी है उसके ऊपर अगर डिजाइन कढ़ाई सिलाई विलाई कुछ भी होती है तो वो नजर आता है, तो वो बहुत ही गंदा लगता है, पर ये पहनने के बाद कुछ नजर नहीं आएगा। तो ये भी आप जरूर अपने लिए ऑर्डर करें, मेरा फेवरेट है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अमेजिंग है। रोड साइड शॉप में भी आपको या लोकल शॉप में भी आपको ब्राज मिल जाएंगी, तो लेकिन वो उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी होती नहीं है और पैसे भी ज्यादा लग जाते हैं, तो सेम पैसे आपको इधर लगेंगे और क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाएगी। आपको ब्राज मॉल में भी मिल जाएगा, लेकिन वहां एक ये साइड इफेक्ट है कि वो थोड़ा बहुत महंगा पड़ जाता है यार। एक एक ब्रा 800-900 से, मतलब अच्छी ब्रा तो 1000 से कम की होती ही नहीं है, 3-4 हजार की होती है। तो अगर आप अच्छी ब्रा चाहते हो और महंगा नहीं चाहते हो तो आप ऑनलाइन ब्रा देखो यार, डर तो लगता है लेने में कि साइज सही नहीं आया तो, लेकिन अगर रिस्क लोगे तभी तो पता चलेगा। मैंने रिस्क लिया और आई एम क्वाइट हैप्पी, मुझे अच्छा स्टॉक मिल गया। ये नॉर्मल ब्रा है, इसमें कुछ अलग नहीं है, बजाय इसके कि ये फुल कवरेज ब्रा है, आपको पूरा फुल कवरेज देता है। कुछ लोगों के ना ब्रेस्ट बहुत ज्यादा हैवी होते हैं और साइड से बाहर निकल रहे होते हैं या आगे से बाहर निकल रहे होते हैं, वो अच्छे नहीं लगते, तो वो इस तरह की ब्रा पहन सकते हैं जो ऊपर से फुल कवरेज तो देता ही है, साइड से भी ये कवरेज प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये नॉर्मल कॉटन ब्रा है और बहुत कंफर्टेबल है, आप इसको रात को पहन के सो सकती है। अब ये बड़ा क्वेश्चन है कि ब्रा रात को पहन के सोना चाहिए या नहीं पहन के सोना चाहिए, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो वीडियो ये वाली लेंथी हो जाएगी। लेकिन हाँ, जो लोग रात को ब्रा पहन के सोना चाहते हैं वो, या फिर घर में भी अगर आप रहते हैं, हाउस वाइफ भी हैं, तो ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल। घर में कौन पहनता है पैडेड या सीमलेस या हॉल्टन है क्या ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप वाला ब्रा, नहीं, घर में हम ऐसे नॉर्मल कॉटन ब्रा ही पहनना प्रेफर करते हैं, वो भी फुल कवरेज के, अगर ब्रेस्ट आपके हैवी हैं तो इसकी भी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। ये वाली ब्रा देखिए, ये वाली अंडरवायर ब्रा है, आप किसी ओकेशन में जा रहे हो, जब आप चाहते हो कि आपके ब्रा मतलब ब्रेस्ट अगर आपके कम है और आप चाहते हो थोड़े उभरे नजर आए, क्लेवच नजर आए, कुछ लोग लड़कियां चाहती हैं या मॉडल्स वगैरह होती हैं उनको चाहिए होता है कि क्लेवच थोड़ा नजर आए, तो उन लोगों के लिए है। या फिर आपके बहुत रोमांटिक सा डेट है, आफ्टर मैरिज हनीमून है, तो उस टाइम में इस टाइप की ब्राज अच्छी लगती है। तो अंडरवायर होने की वजह से आपकी ब्रा को नीचे से ऐसा सपोर्ट देता है, थोड़ा पुश कर देता है, ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा क्लेवेज का इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। इससे पहले भी मैंने आपको पुशअप ब्रा के बारे में बताया था, वो थोड़ा महंगा था, तो ये वाला आई थिंक अफोर्डेबल है और इसके साथ पैड भी है, और अगेन इसका पैड सॉफ्ट वाला है, हार्ड वाला पैड मैंने बिल्कुल भी नहीं मंगवाया है क्योंकि मैं उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करती हूं, और अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूं तो आप भी नहीं होगे, तो फिर वो चीज मंगाना है जिसमें कंफर्ट ना हो, तो स्टाइल विद कंफर्ट इज माय स्टाइल कोटेशन। और ब्लैक कलर की ब्रा तो आपके पास होनी चाहिए, एक ब्लैक होनी चाहिए, एक बेज कलर ब्राउन कलर की ब्रा तो आपके पास होनी होनी चाहिए, प्लस व्हाइट और ग्रे। मैंने वो से सारे एज ग्रुप के ब्रास को कवर कर लिया, चाहे टीनेजर हो, 20s हो, 30s हो, प्रेग्नेंट वेमेन हो, न्यूली मैरिड को कैसे भूल सकती। तो अगर आप न्यूली मैरिड हैं, सेक्सी ब्रास चाहती हैं थोड़ा इम्प्रेस करने के लिए, तो आप इस टाइप की ब्रास भी देख सकती हैं। तो इसमें क्या इम्प्रेसिव है, आगे से तो आपको दिख ही रहा है, ये नेट है, ठीक है, फुल कवरेज ये प्रोवाइड करेगा, नेट का रहेगा, लेकिन पीछे से बहुत ज्यादा सेक्सी है। तो आई थिंक न्यूली मैरिड को ऐसा एक रखना चाहिए, यू नो, आप इसके साथ कोई बैकलेस भी टॉप पहनेंगे ना तो भी अच्छा ही लगेगा, ये पीछे से ब्रा का लुक दे ही नहीं रहा है, पीछे से ऐसा लग रहा है कि पता ही क्या सेक्सी सा टॉप पहन रखा है, तो ये डिजाइन मुझे इसका बहुत अच्छा लगा, इट्स अमेजिंग इजंट इट। ये बिकनी ब्रा है, जो कि बिकनी मैंने लाइफ में कभी पहनी नहीं है, लेकिन जो लोग पहनते हैं उनके लिए अच्छी है। ये थॉन्ग भी मिल जाएंगे, तो ये स्पेशल ओकेशंस पे आप पहन सकती हैं, लेकिन डेली वेयर में थॉन्ग्स में हाईली आपको मना करूंगी, ऐसे अंडरगार्मेंट्स डेली वेयर में आपको नहीं पहनना चाहिए, इससे आपको रैशेज हो सकते हैं, यू नो, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं ऑलरेडी आपको इसके ऊपर कई सारी वीडियो बना चुकी हूं और बोल चुकी हूं, तो मैं दोबारा नहीं पकाऊंगी। ब्रा के साथ साथ मैंने और भी इंटरेस्टिंग चीज मंगाई है, ये इसका प्राइस मुझे अच्छे से याद है, सिर्फ 1000 रुपए का पड़ा है, आप डिस्काउंट कोड यूज करोगे तो आपको और भी सस्ता पड़ जाएगा। इसके अंदर कम से कम 5 चीजें मुझे मिली है, क्या क्या मिली है आपको दिखाती हूँ एक एक करके, ठीक है। तो पहले मुझे मिलता है इसके साथ ये नाइटी, मैंने प्रॉपर नाइटी मंगाई है, ये नाइटी फुल साइज की है, फ्री साइज है, हर कोई पहन सकता है, कलर आप देख रहे हो बहुत अच्छा है, और आप चाहे तो ये सिंगल पहनो या तो आप चाहो तो इसके साथ भी पहन सकते हो, नाइटी के ऊपर भी इसको ऐसे पहन सकते हो आप,
ये तो मैं आपको पहन के दिखा ही सकती हूँ। तो इस तरह से आप नाइटी के ऊपर ये पहन सकते हो, तो बहुत ही अच्छा लुक आता है। टू पीस में भी पहन सकते हो, ये निक्कर है इसका और बहुत सॉफ्ट है, सिल्की सा कपड़ा है। ये साइज मुझे, मैंने थोड़ा बड़ा मंगा लिया है, मुझे लग रहा है मुझे स्मॉल साइज मंगाना चाहिए था, लेकिन मैं, कोई बात नहीं, मैं इसको ऑल्टर करा दूंगी। तो आप इसको एज अ टू पीस भी पहन सकते हो, एज अ वन पीस भी पहन सकते हो। ये तो मिला ही मिला, उसके साथ साथ मुझे ये भी मिला है। अब ये क्या है, ये स्लीपर्स है, ये मुझे बहुत क्यूट लगा यार, ये कितना क्यूट है, इजंट इट। हालांकि पीछे आई थिंक कागज का है, फोम का है, पर घर में पहनने के लिए, बाथरूम स्लीपर नहीं है, घर में पहनने के लिए। और इसके अंदर गद्दा भी है, सॉफ्ट सा है, इट्स अमेजिंग। तो ये तो डील है, तो मैंने आपको मेरी फेवरेट चीजें बता दी है, तो ये आप जरूर लेना, आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा। मैं आपको ये खड़े होकर के भी दिखा देती हूँ, ये कैसा लग रहा है, ये सी, इजंट इट लुकिंग, मतलब रॉयल सा लग रहा है ना। हम वैसे घर में कॉटन की नाइटियां पहन के बैठती रहती है, उससे अच्छा इस तरह की नाइटियां पहनो, बहुत ज्यादा अच्छे लगोगे। तो ये मेरा टॉप फेवरेट है। अच्छा, मैं एक चीज आपको बताना भूल गई, मैं बता देती हूँ। जो मैंने आपको पहली ब्रा दिखाई थी ना, ये वाली, तो ये निकल भी सकती है, यहां से डिटैच हो सकता है, इसके अंदर ये ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप भी आया हुआ है, तो अगर आप इसको निकालना चाहो तो ये भी निकाल सकते हो। तो ये मेरी फेवरेट है, प्लस ये मेरी फेवरेट है, बाकी ये वाली तो आपको लेना, मैं क्या बताऊं, सारी मुझे अच्छी लगी। आप देख लीजिए आपको किस टाइप की ब्रा की जरूरत है, आपके लाइफ स्टाइल के हिसाब से वो वाली आप खुद से मंगवा लीजिए, ठीक है। प्लीज लिंक एक बार जरूर चेक करना, आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स मिल जाएंगे। इन केस अगर आपका साइज सही नहीं है, आपको पसंद नहीं आता, या क्वालिटी इन केस आपको अच्छी लगती, तो इजिली आप उसको रिप्लेस कर सकती हैं, तो उसमें कोई झंझट नहीं है। अगर आपको पसंद आया हो और लगे कि मेरी आज के एपिसोड से आपको कुछ नॉलेज मिली है, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। एक आध ब्रास की कैटेगरी अभी रह गई है, मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन रही थी, तो कुछ और ब्रास हैं, वो अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि उनको कैसे आप पहन सकते हो, ठीक है। स्टे ट्यून्ड विथ मी, पसंद आए तो लाइक तो बनता ही है ना, इतनी मेहनत की है आप लोगों के लिए, आपको भी करना ही पड़ेगा। और शेयर करो सारी लड़कियों के साथ इस वीडियो को, जितना शेयर करोगे आपको तारीफें होती मिलेगी, मेहनत मेरी और तारीफ आपकी अगर आपने शेयर किया तो, और मेरी तरफ से भी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग। तो आज का एपिसोड देखने के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।